개인적으로 한번 수고하는 거로 아니 행함 सबसे बड़ी जो समस्या थी वो फाइलें गायब चोरी होने की, तो मैंने जब इसकी स्टडी की है तो ये पाया कि 8% अगर किसी भी स्टाफ को ये पूछो कि आपके पास कौन कौन सी फाइलें हैं, कितनी फाइलें, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और हर फाइल ढूंढने के लिए कोई सूचना अधिकार में अगर आता है तो हर फाइल ढूंढने के लिए महीनों लग जाते थे। ऐसी स्थिति में मैंने इसमें ये मैंने ऐसा हनुमानगढ़ में भी किया था, तो ये मैंने सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करते हुए नया रिकॉर्ड ग्रुप बना के और पूरे बस्ते सीरियल में लगाते हुए और सारा कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड आज सिस्टमेटिक करके और इसमें शिफ्ट करें सारा। और अब नगर परिषद के पास जितना भी रिकॉर्ड है उसको विद इन 7 days सारा कंप्यूटराइज हो चुका है, सिर्फ बस्ते बांध के इधर रखने हैं। जिसमें आप जैसे कोई आदमी अभी हमें ये बताएगा कि जैसे आपने कहा कि दुरुख सिंह की पत्रावली है, तो उसमें दुरुख सिंह नाम फीड करती, दुरुख सिंह की जितनी भी पत्रावली है आ जाएगी, उसमें आपके पत्रावली का नाम होगा, आपको ये पता चल जाएगा आपकी पत्रावली बस्ता नंबर 7 रेक नंबर 2 के अंदर क्रम संख्या 20 पर पड़ी है, तो विद इन 5 मिनट्स मिल जाएगी। हाँ, डिजिटल इंडिया की तरफ ये पहला कदम है, लेकिन हालांकि हमने फाइलों को डिजिटल को स्कैन वाला अभी तक नहीं करवाया है। एक बार हमारे पास कितनी फाइल है उन सब का लिस्ट बना के कंप्यूटर में फीड किया है और रिकॉर्ड में सिस्टम किया, नेक्स्ट जो काम होगा वो हमारा जो है उसको स्कैनिंग करा के और सारा डिजिटल करने की तरफ। तो मतलब अब रिकॉर्ड भी और ज़्यादा संग्रहित कर सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड एकदम सिस्टमेटिक है, अब रिकॉर्ड गायब नहीं हो सकता जी। अब आज की तारीख के बाद हम रिकॉर्ड रूम के जिसको रिकॉर्ड दे रहे हैं उसे रिसिप्ट ले रहे हैं जी। पूरी जितने भी 30-40 हज़ार फाइलें हैं सारी उसको रिसिप्ट लेकर उसको रिसिप्ट उसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद अगर एक भी फाइल गायब होती है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।